हेलो एवरीवन, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने लेआउट के सभी ऑप्शंस को पढ़ लिया था, आज हम टाइप ऑप्शन के बारे में, टाइप मेन्यू के सभी ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन मिल जाता है टाइप में हमें फॉन्ट। प्रीवियस क्लास में जैसा कि आपको जब टेक्स्ट टूल बताया गया था उसके साथ आप इन सभी ऑप्शंस को पढ़ चुके हैं। जी यहाँ से प्रॉपर्टी आती है, फॉन्ट चेंज करते हैं, वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इसके लिए पहले हम कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं पेज पे। मैटर लिखने के बाद आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल बदलना चाहते हैं इसका, टाइप पे क्लिक कर देते हैं, फॉन्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसा भी आप इसका फॉन्ट रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल दे रखे होते हैं, जैसा भी आप लगाना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पे मिलता है टाइप में ही, ये तो हमारा फॉन्ट का ग्रुप हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें मिल जाता है साइज़, जो आपने पहले भी पढ़ लिया है। यहाँ से आके आप अपने फ़ोन की साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स नंबर्स के अकॉर्डिंग आप करा सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट की का भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइज़ को बढ़ाता है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन कम करने का काम करता है। उसी में नेक्स्ट जो ऑप्शन मिल जाता है लीडिंग, यानी कि आपने जो पैराग्राफ टाइप कर रखा है उनके बीच में लाइन स्पेसिंग कैसी रखना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। जितने भी आप लाइन स्पेसिंग रखना चाहते हैं अपने पैराग्राफ में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लीडिंग यानी लाइन स्पेसिंग आप दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन टाइप स्टाइल, यानी आप इसका स्टाइल कैसे रखना चाहते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड रखना चाहते हैं, इटालिक रखना चाहते हैं या फिर नॉर्मल रखना चाहते हैं। अभी हमारा नॉर्मल लगा हुआ है, आप चाहते हैं टेक्स्ट को हमें थोड़ा सा बोल्ड करना है यानी डार्क करना है तो टाइप में आ जाते हैं यहाँ ऑप्शन पे, यहाँ से कर देते हैं बोल्ड, तो टेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है डार्क शो करता है थोड़ा सा। हटाना चाहते हैं फिर से आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन जहाँ से यूज़ होता है आपका वहीं से रिमूव भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है इटालिक, ये हमारे वर्ड को तिरछा करने का काम करता है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं टाइप स्टाइल पर क्लिक करिए, यहीं से इटालिक को ऑफ कर दीजिए। इसी में अंडरलाइन, मैटर के नीचे आप अंडरलाइन देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अंडरलाइन दे सकते हैं। हटाना चाहते हैं फिर से आप टाइप पे क्लिक करिए, अंडरलाइन ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू, यानी आपका मैटर कुछ गलत हो रहा है, बीच से एक लाइन चाहिए उसे कट करने के लिए, तो आप स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो फिर से हम इसी पर क्लिक कर देते हैं, ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। रिवर्स, रिवर्स के बारे में भी आपको पता है, रिवर्स अपोजिट करने का काम करता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जहाँ पे भी कंटेंट ब्लैक होता है उसे वाइट कर देता है और जहाँ पे वाइट होता है उसे ब्लैक कर देता। अगर आप पिक्चर के साथ चलाते हैं तो कहीं पे पिक्चर में अगर कलर लाइट है तो उसे डार्क कर देता है और अगर डार्क है तो उसे लाइट करने का काम करता है इस तरीके से। हटाना चाहते हैं आप फिर से आप इसे पे आके ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे एक्सपर्ट कर्निंग का ऑप्शन मिल रहा है। ये ऑप्शन, जैसे हमने यहाँ पे एक ऑप्शन पढ़ा था ट्रैक का, ये क्या करता है कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग सेट करने का काम करता है। अगर आप लूज करते हो तो वर्ड्स के बीच में गैपिंग ज़्यादा आ जाती हैं, नॉर्मल नॉर्मल रखते तो वही ऑप्शन आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, अगर आप लूज़र यहाँ पर टाइगर लगा देते हैं टाइग, तो क्या होता है वर्ड्स के बीच में जो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आप लूज़र लगाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट लगाना है तो यही ऑप्शन हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट ट्रैक, वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है। अगर आप वेरी लूज़ करते हैं तो वर्ड्स के बीच में गैपिंग ज़्यादा आ जाती है, अगर आप लूज़ करेंगे तो ये नॉर्मल लगता है। इसी में आके अगर आप टाई लगा देते हैं तो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग कम हो जाती है और वेरी टाई लगाते हैं तो और भी अधिक।
नॉर्मल करना चाहते हैं तो इसी पे आके नो ट्रैक लगा देंगे, आपका फॉन्ट नॉर्मल हो जाता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यानी आप पेज पे अपने टेक्स्ट की स्केलिंग कैसे रखना चाहते हैं, उसकी पोजीशन को सेट करना। इस तरीके से आप स्केलिंग सेट कर सकते हैं पेज पे अपने टेक्स्ट की। नॉर्मल करना है तो नॉर्मल पे क्लिक कर देते हैं। इसी में नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें मिल जाता है कैरेक्टर। आपने जो कैरेक्टर लिख रखा है आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए। जैसे हम इतनी लाइंस की सेटिंग करना चाहते हैं, सेलेक्शन लिया, टाइप में आए कैरेक्टर। अब देखिए जो ऑप्शन बाहर से आपने एक एक करके पढ़ा है वही सारे ऑप्शन आपको इसमें एक साथ मिल रहे हैं। जैसे कैरेक्टर फॉन्ट यानी आप इसका फॉन्ट कैसा रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने फॉन्ट की साइज़ को कितना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। लीडिंग और उसकी लाइन स्पेसिंग को आप कितना सेट करना चाहते हैं। कलर, आप अपने फॉन्ट का कलर कैसा रखना चाहते हैं। नॉर्मल रखना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना या इटैलिक, अंडरलाइन, रिवर्स, स्ट्राइक थ्रू, ये सारे ऑप्शन आपने पहले पढ़ चुके हैं। पोजीशन, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, इसका काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हम जैसे फार्मूलास लगाते हैं साइंस में या मैथ्स में, तो हम यहाँ पे फार्मूला ले लेते हैं H2O। H2O जब हम लिखते हैं तो 2 जो वो होता है हमारा बेस यानी कि वो नीचे होता है इस H के नीचे, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये पावर हमें नीचे लगानी है तो हम टाइप में आ जाते हैं कैरेक्टर पे, यहाँ से आके कर देते हैं सबस्क्रिप्ट और ओके। आप देखेंगे पावर कहाँ पे लग के आ रही है, नीचे। अब आप चाहते हैं, अब ऐसे कोई वर्ड हमने लिखा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट, तो फर्स्ट ही में ST हमारा कहाँ पे होता है, 1 के ऊपर। तो अगर आप इसको ऊपर रखना चाहते हैं तो आप फिर से कैरेक्टर पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आके सुपर स्क्रिप्ट ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे पावर इस तरीके से ऊपर लग के आ जाता है। नेक्स्ट केस कैसा रखना चाहते हैं आप अपने फॉन्ट का, तो सेलेक्शन ले लेते हैं कैरेक्टर पे आने के बाद यहाँ पे केस। अब जैसे ऑल कैप्स लगा के ओके करते हैं तो क्या होता है, साइज फॉन्ट का आपका बढ़ जाता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्मॉल कैप्स लगाते हैं तो साइज इसका छोटा हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे सारे कैरेक्टर की सेटिंग हम एक साथ कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे इंडिविजुअली पढ़ा था। बाकी आप अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कलर भी दे दिया, फॉन्ट दे दिया और ट्रैकिंग लगा दिया कोई, तो यहाँ से आप पूरा एक साथ सेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद ओके करेंगे वही सारा फॉर्मेट आपका इस पर लग के आ जाता है। अब जैसे आप कोई फॉर्मेटिंग सब हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन पढ़ाया था आपको नन, ये क्या करता है सभी फॉर्मेटिंग्स को क्लियर करने का काम करता है, लेकिन कलर आपको यहाँ से आके नॉर्मल करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है पैराग्राफ का। आप पैराग्राफ की सेटिंग अगर आप करना चाहते हैं, जैसे आप इतने पैराग्राफ की लाइन को लेफ्ट से थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप टाइप में आइए, पैराग्राफ पे क्लिक कर दीजिए। अब आप चाहते हैं कि इसे हमें लेफ्ट से करना है, कितने पॉइंट्स, हमने 2 पॉइंट्स में दिया ओके। अब आप देखेंगे आपका पैराग्राफ उतनी ही उसमें सेट हो गया। अगर आप चाहते हैं इसकी पोजीशन हमें कुछ और रखनी है सेकंड लाइन से या फर्स्ट लाइन से, तो यहाँ पे आके आप सेट कर सकते हैं। जैसे आपको पहली लाइन से करना है, पहली लाइन से कितना करना चाहते हैं आप लगा के ओके करते हैं तो पहली लाइन उतनी गैपिंग्स में आपकी सेट हो जाती है इस तरीके से। अगर आप टाइप पे आ गए फिर से, अब अगर आप राइट साइड से थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हैं तो कितना रखना है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट साइड से आपका पैरा उतना एडजस्ट होता है। अगर आप चाहते हैं लेफ्ट साइड से करना है या फिर आप कुछ दूसरा फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे बिफोर ऊपर पैराग्राफ के ऊपर से कितना स्पेस आप रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं, आफ्टर कितना रखना है वो आप सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ की सेटिंग एक साथ कर सकते हैं। अलाइनमेंट चेंज करना है, अलाइनमेंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया था लेफ्ट अलाइन लगा के ओके करते हैं तो आपका पैराग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट से स्टार्ट होता है,
अगर आप यहाँ पे आके सेंटर लगा देते हैं, आपका पैराग्राफ सेंटर से आ जाता है। इसी में आके अगर आप राइट लगा देते हैं तो आपका पैराग्राफ राइट साइड से शो होने लगता है। नेक्स्ट, इसी में आके अगर आप जस्टिफाई लगाते हैं तो आपका पैराग्राफ थोड़ा इधर उधर है तो उसे सीक्वेंस में कर देता है, लेकिन अभी भी ये बराबरी में नहीं है तो उसके लिए हम फोर्स जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। फोर्स जस्टिफाई पे आप क्लिक कर देते हैं, आपके फॉन्ट को ये नॉर्मल दोनों तरफ से इक्वल कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है इंडेंट टैब। इंडेंट टैब का काम क्या होता है, जैसे अगर आप पेज पे टैब सेट करके काम करना चाहें, टैब सेट का मतलब जैसे आप ज़्यादा सीक्वेंस में बराबरी में काम करना चाहते हैं तो आप टैब सेट करके काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, उसके लिए पहले आप ऑप्शन पे आ जाइए इस तरीके से, इंडेंट टैब पे पोजीशन, ऐड टैब आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे टैब सेट करना है रूलर में 2 और 3 के बीच में, या फिर 2 पे हमें सेट करना है टैब, तो हमने यहाँ पे 2 इस तरीके से टाइप किया। पोजीशन में आके ऐड टैब पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक आइकन इस तरीके से बन के आ रहा है जो कि ये टैब का आइकन है। इसी में अब अगर आप कोई दूसरी जगह, जैसे मान लीजिए हमें 4 पे टैब सेट करना है तो हमने 4 पे टैब सेट कर दिया और यहाँ पे आके क्लिक कर। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में इतनी दूर की गैपिंग है, लेकिन हम चाहते हैं जब हम यहाँ पे वर्ड टाइप करें और इनके बीच में टैब्स के बीच में जो स्पेसिंग ज़्यादा है वो खाली ना रहे, वो वहाँ पे एक लीडिंग लाइन शो करे या डॉटेड के फॉर्म में, डैशेस के फॉर्म में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है आपके पास लीडर। तो जैसा भी आप लाइन चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, या कस्टम पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग दे भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करके ओके कर दिया। उसके बाद आप फिर से, जैसे हमें 9th पे करना है या 7th पे करना है, मान लीजिए हमने 7th पे करना है तो हमने यहाँ पे आके कर दिया ऐड। देखेंगे यहाँ पे हमारा पोजीशन ऐड हो गया। इस तरीके से हमने ऐड किया और ऐड पे क्लिक कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि डिलीट करना है तो यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं मूव टैब से। आप इसको किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे इस तरीके से बीच में रखना है, इस तरीके से आप मूव भी करा सकते हैं। रिपीट कराना है तो आप इसे रिपीट भी करा सकते हैं। इतना करने के बाद आप जब ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ से अप्लाई करने के बाद ओके, अब कोई वर्ड आप टाइप करते हैं, जैसे ही आप टैब की, आपके कीबोर्ड से टैब की का यूज़ करेंगे, आप देखेंगे जितनी दूरी पे आपने टैब सेट किया था और जितनी दूरी पे आपने लीडिंग लाइन दिया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, जितनी दूरी पे आपने दिया होगा वो लीडिंग लाइन यहाँ पे टैब करने के बाद शो होने लगेंगे इस तरीके से। तो आप जब जब यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू काम तो वो कंटिन्यूसली आता जाएगा टैब करने पर। अब अगर आप इसे हटाना चाहते हैं, इस तरीके से आपने टैप किया फिर यहाँ पे, अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए फिर से आप टाइप में आ जाइए और इंडेंट टैब पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आके रिसेट या डिलीट टैब्स रिसेट करके ओके कर देते हैं। अब अगर करते हैं यहाँ पे टैब तो उस पर नहीं आता है लग के आपको इस तरीके से, क्योंकि वहाँ से हमारा रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से अगर हमें पेज पे टैब सेट करके काम करना है तो यहाँ से आप टैब सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है हाइपनेशन का। हाइपनेशन क्या काम करता है, ये हमारे वर्ड की कंटिन्यूटी बताने का काम करता है। जैसे अगर हम पेज पे कोई वर्ड लिखते हैं इस तरीके से, हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, अब अगर आप इसके साइज़ को बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो हमने इस तरीके से साइज़ को बढ़ाया, अब आप देख रहे हैं आपका ये जो वर्ड है यहाँ पे फिट नहीं हो पाया, तो क्या हुआ, यहाँ पे टूट कर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये हाइपरनेशन लाइन आ रही है, ये हमारे वर्ड की कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी इसके आगे का वर्ड आपका इस लाइन में है। अब जैसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट, अगर नहीं चाहते हैं इसे हटाना चाहते हैं, सिलेक्शन लीजिए टाइप पे क्लिक करके हाइपरनेशन पे यहाँ से ऑफ़ कर दीजिए,
हाइपनेशन हट जाता है। अगर आप चाहते हैं शो कराना, फिर से हाइपनेशन ऑप्शन पे आ जाते हैं यहाँ से ऑन करके, और मैन्युअली ओके। अगर आप मैन्युअली को ऑन कर देते हैं तो आपका हाइपनेशन नहीं लग के आता है, तो हम यहाँ पे मैन्युअली प्लस डायरेक्ट को लगाना होगा और ओके कर देना होगा। इस तरीके से लग के आ जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन इसी में आ जाता है हमारे पास मैनुअल प्लस, इसको लगाते हैं तो ये टू वर्ड्स को छोड़ के इस तरीके से हाइपनेट कर रहा है। अब जैसे आप अपने अकॉर्डिंग किन्हीं वर्ड्स के बीच में लगाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं हमें जो हाइपनेशन शो करानी है सी ओ एम पी यू के बीच में हमें दिखाना है, तो हाइपनेशन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है ऐड का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे आप चाहते हो कि आपको पी यू टी के बाद कराना है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, क्लिक कर दीजिए ऐसे और ओके, यहाँ से भी यस ओके। इस तरीके से अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आके आप चेंज भी कर सकते हैं हाइपरनेशन पे आके, जो भी आपको लगाना। हटाना चाहते हैं इसे आप सेलेक्ट करके यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है अलाइनमेंट का। आप अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट क्या सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। सिलेक्शन ले लेते हैं पैराग्राफ का और अलाइनमेंट पे आके अगर आप सेंटर लगाते हैं तो आपका पैराग्राफ सेंटर में शिफ्ट हो जाता है। राइट लगाएंगे तो राइट साइड से, अगर आप जस्टिफाई लगाते हैं तो इसे बराबर करने का काम करता है दोनों तरफ से, लेकिन अभी भी ये गैपिंग्स है तो हमें पूरा बराबर करना है, दोनों तरफ से इक्वल करना है, तो फोर्स जस्टिफाई का यूज़ कर सकते हैं। इसी में स्टाइल का ऑप्शन दे रखा है। अगर आपने पैराग्राफ टाइप किया हुआ इसमें आपको स्टाइल लगाना चाहते हैं, जैसे बॉडी टेक्स्ट का स्टाइल लगाना है तो इस तरीके से उसकी पोजीशन साइज जो है शो होने लगती है। कैप्शन का लगाना चाहते हैं, कैप्शन का शो करेगा, और हैंगिंग इंडेंट का लगाना चाहते हैं, हैंगिंग इंडेंट का स्टाइल लगा सकते हैं, हेडलाइन का स्टाइल लगाना है, या फिर आप इसको सब हेड का स्टाइल देना चाहते हैं, या अगर आप सब हेड टू का स्टाइल देना, तो इस तरीके से आप अपने पैरा या अपने हेडिंग्स को अलग अलग हेडिंग स्टाइल दे सकते हैं। इसी में आके डिफाइन स्टाइल का एक ऑप्शन मिल रहा है आपको। डिफाइन स्टाइल पे जाके आप स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहले से बने बनाए कुछ स्टाइल शो कर रहे हैं आपको। अगर आप इन्हें अप्लाई करना चाहते हैं अपने पैरा या अपने हेडिंग्स पे, सिलेक्शन लेके ओके करेंगे, इस पे अप्लाई होके आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन साइड में हमें शो कर रहे हैं, सेलेक्ट करके ओके करते हैं वो स्टाइल हमारा आ जाता है, कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स हट जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में हमें कैप्शंस न्यू, अगर आप खुद से आप न्यू स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू स्टाइल पे क्लिक कर देते हैं। आप जो स्टाइल बना रहे हैं उसका नाम क्या रखना चाहते हैं आप, यहाँ पे हमने नाम दे दिया Q2 के नाम से। इतना करने के बाद यहाँ पे कैरेक्टर पे क्लिक कर देते हैं। हमने कहा हम जो स्टाइल बनाना चाहते हैं उसका फॉन्ट हमें कुछ इस तरीके से रखना है और उसके साइज़ हम इतना रखना चाहते हैं, लीडिंग लाइन स्पेसिंग हम इतनी चाहते हैं, और फॉन्ट का कलर हम ब्लू रखना चाहते हैं, पोजीशन आप कैसी रखना चाहते हैं, सबस्क्रिप्ट या केस उसका कैसा, ऑल कैप्स हमने ले लिया, ट्रैकिंग हमने लूज ले लिया। इतना करने के बाद ओके किया, यहाँ से भी ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपकी भी बनाए हुए स्टाइल शो कर रही है। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपकी स्टाइल शो कर रही है। यहाँ पे आते हैं, अब अगर आप चाहते हैं कि हमें लगाना है तो यहाँ पे देखिए शो कर रहा है स्टाइल में, इसी पे आके क्लिक कर देंगे, जो भी आपने स्टाइल दिया था, जो फॉर्मेट दिया था, सब यहाँ पे शो कर रहा है। अब फिर से न्यू बनाना है, आप न्यू पे क्लिक करिए, कैरेक्टर पे कैरेक्टर की सेटिंग करनी है या पैराग्राफ की भी सेटिंग करनी है, वो सारा आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर टॉप सेट करना चाहते हैं, हाइबनेशन लगाना चाहते हैं, तो एक साथ सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी खुद की न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, अगर आप इसे रिमूव करना चाहें तो यहाँ से रिमूव ओके कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आपकी स्टाइल नहीं शो हो रही है। तो इस तरीके से अगर हम खुद के स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा के अप्लाई कर सकते हैं। इस
तरीके से टाइप मेन्यू के हमारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम एलिमेंट के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट में सबसे पहला जो ऑप्शन हमें मिल रहा है फिल का, ये प्रीवियस क्लास में हमने टूल्स के ऑप्शन में इन ऑप्शंस को पढ़ लिया। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। एलिमेंट पे आते हैं फिल पे। जैसे अगर आप अपने शेप में अपने ऑब्जेक्ट में सॉलिड कलर फिल करना चाहते हैं, सॉलिड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आके जो भी सॉलिड कलर आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको इस तरीके से पैटर्न्स लगाने हैं, बने बनाए कुछ पैटर्न्स मिले, आप इनको भी लगा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। नहीं चाहते हैं इसे तो यहीं पे आके पेपर कर दीजिए, फिलिंग हट जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सॉलिड लगाना तो आप सॉलिड भी लगा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें मिल जाता है स्ट्रोक, यानी जो शेप की हेयर लाइन है उसकी आउटलाइन है वो कैसी रखना चाहते हैं आप, वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। जितनी भी थिक रखनी है आपको या उसका फॉर्मेट जैसा रखना है आप वो सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हटाना है, नन पे क्लिक कर देते हैं, हेयर लाइन रिमूव हो जाती है। शो करना है तो ऑप्शन को ऑफ कर देंगे इसे में आके, या चेंज कर लीजिए इस तरीके। रिवर्स इस तरीके से अपोजिट कर देता है, इसी में आके ऑफ कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है फिल एंड स्ट्रोक। अब देखिए जो ऑप्शन हमने यहाँ पे एक एक करके पढ़े फिल एंड स्ट्रोक का, वो दोनों ऑप्शन हमें यहाँ पे एक साथ मिल जाता है। यानी कि आप ऑब्जेक्ट में क्या फिल करना चाहते हैं, सॉलिड कलर या फिर पैटर्न्स, फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक कर देते हैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद। अब जैसे मान लीजिए हमें इसमें सॉलिड कलर फिल करना है, तो सॉलिड कलर कैसा चाहिए आपको, मैजेंटा, ब्लू या सियान या रेड, येलो, जैसा भी आप कलर लेना चाहते हैं कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। टिंट उसकी क्वालिटी कैसी रहे वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है स्ट्रोक, यानी कि इसकी हेयर लाइन कैसी चाहिए आपको, हेयर लाइन आप सेलेक्ट कर लेते हैं, कितनी थिक रखनी है, कितनी लाइट रखनी है। अब हेयर लाइन का कलर कैसा रखना है आपको, ब्लू रखना है, सियान रखना है, मैजेंटा रखना है या फिर ग्रीन रखना है, तो हमने यहाँ पे मैजेंटा रख दिया। इसमें भी इसकी क्वालिटी कैसी रखनी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद ओके करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट में वो सारे अप्लाई होके आ जाते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे फ्रेम का ऑप्शन मिल जाता है। इसका क्या काम होता है, इसको चलाने के लिए हमें यहाँ पे रेक्टेंगल फ्रेम ड्रॉ करना होता है। इस तरीके से हमने रेक्टेंगल फ्रेम ड्रॉ किया और यहाँ पे आके हमें कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स में लिख लेना है। हमने मैटर टाइप किया। अब हम एलिमेंट में आ जाते हैं फ्रेम पे। सबसे पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें, सेपरेट कंटेंट। इस पर क्लिक करके हम अपने कंटेंट को अलग और फ्रेम को अलग कर सकते हैं। अब आप देखेंगे वो ऑप्शन आपका चेंज हो जाता है, जैसे जैसे आप ऑप्शन यूज़ करते जाते हैं वो चेंज। अभी आपका ये सेपरेट कंटेंट के नाम से शो कर रहा था और अब अटैच कंटेंट के नाम से शो कर रहा है। तो उसके लिए अब जैसे हमें अटैच कंटेंट मिल रहा है, यानी हम चाहते हैं जो कंटेंट हमारा है ये, इसको हम फ्रेम में ऐड करना चाहते हैं सेपरेट से अटैच। तो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्शन टूल से, सेलेक्शन लेने के बाद एलिमेंट पे आ जाएंगे फ्रेम पे और यहाँ से कर देते हैं अटैच कंटेंट। इसी में हमें एक ऑप्शन मिल जाता है फ्रेम में ही, फ्रेम ऑप्शन। यहाँ से आप फ्रेम की सेटिंग कर सकते हैं, यानी जो फ्रेम का कंटेंट है हमारा उसका अलाइनमेंट क्या रहे वो अलाइनमेंट हम सेट कर लेते हैं, सेंटर रखना या राइट रखना। और मार्जिन्स अगर हमें सेट करनी है, टॉप से कितना रखना है और बॉटम से कितना रखना चाहते हैं आप, और बॉटम या बिफोर राइट से कितना रखना चाहते हैं आप, वो सारा आपको यहाँ पर सेट करना होता है। ओके पे क्लिक करेंगे आपका कंटेंट वैसे ही शिफ्ट हो जाता है। इसी में एक ऑप्शन हमें मिल जाता है चेंज टू फ्रेम। चेंज टू फ्रेम का काम क्या होता है, इसके लिए पहले हम अपने कंटेंट को सेपरेट कर देते हैं।
अब देखिए ये हमारा फ्रेम है, अब चाहते हैं इसे हमें नॉर्मल एक ग्राफिक के फॉर्म में चेंज करना, यानी नॉर्मल ऑब्जेक्ट में। तो फ्रेम पे आके अगर हम कर देते हैं चेंज टू ग्राफिक, तो अब आप देख रहे हैं कि एक फ्रेम से रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इसे हमें फ्रेम में कन्वर्ट करना है, फ्रेम पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से चेंज टू फ्रेम पे क्लिक कर देते हैं, फिर से ये फ्रेम पे आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम प्रीवियस फ्रेम का ऑप्शन मिल रहा है, ये कैसे चलता है? सबसे पहले हम इसे सेपरेट कर दें, अटैच कर देते हैं यहाँ पे आके फ्रेम पे अटैच कंटेंट। अब देखिए यहाँ पे रेड पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब है आपका जो कंटेंट है वो आपके फ्रेम में फिट नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं जो कंटेंट हमारा यहाँ पे हाइड हो रहा है वो हमारा दूसरा फ्रेम में कंटिन्यू करे, या फिर अब हम इसके आगे जो भी काम करें वो हमारा इसमें ना होकर दूसरे फ्रेम में हो, तो उसके लिए हम एक और फ्रेम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और इस फ्रेम का सिलेक्शन लेते हैं। अब ये जो पॉइंट आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और आपके दूसरे वाले फ्रेम पे आके क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे जो काम आपका यहाँ पे हाइड हो रहा था वो आपका इसमें शो कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रीवियस फ्रेम का, प्रीवियस फ्रेम करेंगे तो आपका पहला फ्रेम सेलेक्ट हो जाता है, इसी में आके अगर आप नेक्स्ट फ्रेम करते हैं तो आपका नेक्स्ट फ्रेम सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप रिमूव फ्रॉम थ्रेड्स कर देते हैं यहाँ पे आके रिमूव फ्रॉम थ्रेड्स, तो ये क्या करता है जो आपका सेलेक्टेड हो जाता है फ्रेम उसमें से ये कंटेंट को डिलीट कर देता है। अगर आप दोनों में से करना चाहते हैं, दोनों फ्रेम्स के कंटेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दूसरा मिल जाता है डिलीट कंटेंट का, उस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। टाइप में आ जाते हैं, सॉरी एलिमेंट में, फ्रेम में, यहाँ से कर देते हैं डिलीट कंटेंट। तो ये क्या करता है हमारे फ्रेम के सभी कंटेंट को डिलीट करने का काम करता है। अब अगर आप फ्रेम को हटाना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड के डिलीट बटन से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फ्रेम ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है अरेंज का। अरेंज का काम क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रखे हैं, इस तरीके से हमने इसके ऊपर भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया इस तरीके से। अब मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, हमें ये ऑब्जेक्ट सबसे बैक पे ना रख के सबसे फ्रंट पे रखना है और इसको सबसे फ्रंट पे ना रख के सबसे बैक पे रखना है, तो हम सेलेक्शन ले लेते हैं और एडिट पे लेआउट एलिमेंट पे आके फ्रेम पे अरेंज अगर हम कर देते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे मान लीजिए हमें इस ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लाना है, तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं एलिमेंट पे अरेंज पे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, तो जो भी हमारा लास्ट का ऑब्जेक्ट होगा सेलेक्टेड वो सबसे फ्रंट पे आ जाता है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट आपको सबसे बैक पे भेजना है, तो आप सेंड टू बैक पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका ऑब्जेक्ट सबसे बैक पे चला जाता है। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिल जाता है फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड का काम क्या होता है, अभी अगर आप ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक कर रहे हैं तो डायरेक्ट पीछे और डायरेक्ट फ्रंट पे आ रहा, लेकिन आप चाहते हैं सबसे आगे नहीं लाना है ऑब्जेक्ट को, फॉरवर्ड यानी एक स्टेप आगे लाना है उसे, तो ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं, तो आप देखेंगे वो केवल एक स्टेप आगे आता है। यहाँ पे आके एलिमेंट पे आके ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक एक स्टेप आता है। इसी में आके अगर हम सेंड बैकवर्ड कर देते हैं, अरेंज पे आए सेंड बैकवर्ड, तो क्या हो रहा है एक एक स्टेप वो पीछे जा रहा है, ब्रिंग फ्रंट डायरेक्ट आगे लाएगा, सेंड बैकवर्ड डायरेक्ट पीछे, लेकिन फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं तो एक एक स्टेप वो पीछे जाने का काम करता है। तो इस तरीके से हम अरेंज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको इतने ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, इसके आगे के ऑप्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।